तुला राशि वालों, जैसा कि आपको बताया गया है कि अब आपके पांच ग्रह वक्री हो चुके हैं और इस समय जो सबसे ज्यादा कमजोरी आएगी वो आपके भाग्य को बिल्कुल नेस्तनाबूद टाइप से कर रही है। सावधान रहें, इस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप आखिर तक इस वीडियो को अवश्य देखते रहें। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका राशिफल लेकर। परम पिता परमात्मा की मर्जी के बिना इस षष्ठी का एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है वो इस समय को जिस प्रकार से घुमाता है, उसकी वानगी आप ग्रहों के रूप में, ग्रहों के मूवमेंट के रूप में महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हर ग्रह के मूवमेंट के साथ आपकी जिंदगी विशेष तौर पर प्रभावित करती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज के ग्रह गोचर की स्थिति को। सूर्यदेव वृष राशि में विराजमान है, शत्रु का घर है। शुक्र देवता यहीं पर उल्टे होकर विराजमान है और बुध देवता भी वृष राशि में ही विराजमान हो रखे हैं। राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है, केतु महाराज धनु राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता और शनि देवता दोनों ही मकर राशि में विराजमान है, किंतु यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्री हो चुके हैं और राहु केतु तो सदैव वक्री होते हैं। मंगल देवता और चंद्र देवता दोनों के दोनों इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। तो यह थी आपके आज के आसमान में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति। तो यहाँ आप लोगों के लिए हमने, जैसा बता रहा हूं मैं आपको बार बार, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो के, उस लिंक को क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर स्वामी प्रिंस ऋषि जी, उनके असिस्टेंट साधक और पंडित जी आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको डायरेक्टली उपाय बताते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इन उपायों को अगर प्राप्त करने के लिए आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेमेंट भी देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 16 मई सन 2020 नवमी तिथि है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की। आसमान में सत्विशा नामक नक्षत्र का उदय हुआ था और वैधरति नामक योग चल रहा है। शनिवार का दिन है आज। राहु काल प्रातः 8:53 से लेकर 10:35 तक रहने वाला है, जबकि जो शुभ मुहूर्त है वहीं पर ही स्थित है, 11:53 से लेकर 12:41 तक किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त है। यहाँ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी वजह से हमारे YouTube पर 14,80,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स यानी फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को हमारे, तो आप इस चैनल को यहाँ जो नीचे आइकन आ रहा है वहां जाकर सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस एस्ट्रोलॉजी के इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, वरना ये ज्ञान धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएगा। और अगर आप मुझसे कुछ चाहत रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो आप कमेंट्स में जाकर मेरी इस राशिफल को और लोगों से कंपेरिजन करने के बाद बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, वहां आपको क्या जानकारी मिलती है और यहाँ आपको क्या जानकारी मिल रही है, और वो आपकी लाइफ में सही है या गलत है। इस बारे में जब तक आप जानकारी नहीं देंगे मुझे नहीं पता लगेगा कि मैं आपको कितना सही बता रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूं अगर आप राशिफल, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की सही राशि नहीं पता है तो आपको गलत ही लग सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तुला राशि वालों, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप अब और अधिक कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी
कुछ समस्याओं का समाधान अब निकलना प्रारंभ हो सकता है, लेकिन परेशानियां हैं कि बढ़ती ही जाएंगी। परिवारजनों का साथ आपको निश्चित रूप से मदद पहुंचा रहा है, उनकी मदद लेकर आप अपनी फोकस को पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित करने का प्रयास करें। यात्रा की संभावना बन रही है तो सावधानी पूर्वक ही यात्रा करें। जो स्टूडेंट्स मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं लाते या जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनके माता पिताओं से हम गारंटी देते हैं कि अगले वर्ष से आपके बच्चे के न सिर्फ हर साल नंबर अच्छे आएंगे, अभी तो उसका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा अभी से ही। इसके अलावा जो युवक युवतियां बार बार सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं मगर सफल नहीं हो पा रहे, तो उनसे कहना चाहेंगे कि आप एक बार अपनी जन्म कुंडली में देखें तो सही कि सरकारी नौकरी का योग भी है या नहीं। अगर सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो हम तो क्या परमपिता परमात्मा के अलावा कोई और आपको सरकारी नौकरी नहीं दिला सकता। हाँ, तो उस केस में हम आपको दूसरी डायरेक्शन में आपके ग्रहों को मोटिवेट कर सकते हैं और आपके कैरियर को दूसरी डायरेक्शन की तरफ मोड़ा जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। किंतु जिन लोगों की जन्म कुंडली में कमजोर सरकारी नौकरी का योग है तो उनको छोटे छोटे वैदिक उपाय जो साल में एक या दो बार करने होते हैं उनको करके उनको सरकारी नौकरी का मजबूत दावेदार बनाकर खड़ा किया जा सकता है। और जो लोग अपनी संतान के द्वारा की जा रही बदतमीजियों, अपमान और बेइज्जती से परेशान है, चाहे उनकी संतान की उम्र 12 साल है या 52 साल, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनसे कहना चाहेंगे आप बिना किसी झिझक के आप सभी लोग जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं वहां पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपनी जन्म कुंडली अपना चेहरा दिखाकर अपनी परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों को करने से जो साल में एक या दो बार ही करने अपने जीवन में आप खुशियां ला सकते हैं। कहां से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनी शिशि जी के पास और गुरु मानकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स बनाई? रिंग्स दिखाओ। चार चार रिंग है, मैंने लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है। और 100% पढ़ते हुए हैं। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले और होगा। भाई बहनों की अगर हम बात करते हैं तो भाई बहनों के साथ आपको अचानक झटके से कोई फायदा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करते हैं धीमे धीमे भाई बहनों के जो संबंध है आपसे धीमे धीमे करके अब थोड़ा अच्छे होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। माता के प्रति सावधान रहिए, माता धीमे धीमे करके आपको अपने आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं, तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, बाल सफेद होने लगे हैं, रिश्ते वाले आते हैं मगर रिजेक्ट करके चले जाते हैं, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं कोई दोष है, यह दोष आपके रास्ते में अड़चन बना रहा है, तो इस अड़चन को दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक या दो बार करने हैं बस, उनका सहारा लेकर आप एक खूबसूरत सा जीवन साथी अपने जीवन में निकट भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर आप हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल
या पर्सनली मिलने का एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। क्योंकि जो लोग शादीशुदा है वो जानते हैं कि उनके जीवन में तनाव लगातार बढ़ता चला जाता है जरा जरा सी बातों पर, और बात लड़ाई झगड़े मारपीट गाली गलौज तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए आप दो रत्नों की जो अंगूठियां हैं वो धारण करें, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर कर। निश्चित रूप से ये अंगूठियां धीरे धीरे करके आपके और आपके जीवन साथी के मध्य संबंधों में बहुत अधिक सुधार लाएंगी, खुशहाली लाएंगी। तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इन अंगूठियों को प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं ससुराल पक्ष को, अवश्य ही अगर आप शादीशुदा हैं तो आपसे फायदा हो सकता है। बदनामी से बचने का प्रयास करें, भाग्य आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कार्य की वजह से अगर आप अपने कार्यस्थल पर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप जिनको प्रेम करते हैं या तो उनका सलाह लें या आप अपनी संतान अगर इसे योग्य है तो उसकी सलाह मानकर कार्यस्थल में चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आमदनी के हालात आपके लिए बदतर होते चले जा रहे हैं। अभी तक जो जीवन साथी आपको मदद पहुंचा रहा था अब वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों की ओवरऑल स्थिति को देखते हुए कहना चाहूंगा कि अगर अपने प्रेम संबंधों में वो खुशियां लाना चाहते हैं, वो अभी थोड़ी सी दिक्कत देने की तरफ चल दिए हैं प्रेम संबंधन के, चाहे लड़ाई झगड़े की वजह से, चाहे शादी ना हो पाने की वजह से, या चाहे कोई उनको धोखा दे रहा है इस वजह से, चाहे कोई उनके प्यार को छीन रहा है इस वजह से, तो ऐसे सभी युवक युवतियां स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटा सा उपाय जो साल में एक या दो बार करना है उनके द्वारा अपने प्रेम संबंधों में मजबूती प्रदान करें। इसके लिए आपको कोई बकरों की बलि या उल्लू की बलि या मुर्गों की बलि नहीं देनी है। कोई पूजा पाठ के नाम पर कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है। छोटे से गति को एस्ट्रोलॉजी उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तुला राशि वालों, आपके ओवरऑल ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए मैं आज के लिए आपको 5 में से केवल 1 स्टार देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव। Thank you.